हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार तिवारी। आपको स्वागत है जय हो फैंटेसी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं NYC वर्सेस BCCC टीम के बारे में। मैच स्टार्ट होने में अभी भी 7 ओवर 57 मिनट्स है। इंडिया का टाइम का अनुसार देखा जाए तो शाम को 6 बजे को मैच स्टार्ट होगा। पिच के बारे में बात करते हैं, पिच बॉलिंग के लिए अच्छा सपोर्ट करेंगे और एवरेज स्कोर के बारे में बात किया जाए तो 110 से 120 का बीच में स्कोर बनेगा और पिच फास्ट बॉलिंग के लिए अच्छा सपोर्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर बाय मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरे टेलीग्राम चैनल सोनी होता तो आप टेलीग्राम में जाके @ जय हो फैंटेसी सर्च करते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। इसी तरह सर्च करते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। कुछ बंदे ने मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम से फेक अकाउंट बनाया दोस्तों, इस 3 अकाउंट को भूल से भी ज्वाइन मत करना। आप कोई फेक टीम देगा, फेक अकाउंट भी है जिसमें आपको 1451 सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको 1400 प्लस सब्सक्राइबर्स होंगे दोस्तों, उसी पर आप ज्वाइन कर लेना। इसी तरह मैं आपको फाइनल टीम दूंगा लाइनअप अनाउंस होने के बाद। जो मैं आपको टीम दूंगा, आप हेड टू हेड 3 स्पॉट्स 4 स्पॉट्स और 5 स्पॉट्स में ट्राई करेंगे तो 100% विन होंगे। अब तक आपका जितना लॉसेस हुआ सब लॉसेस को कवर कर सकते हैं दोस्तों। मैंने फाइनल टीम का नीचे में 3 लिंक प्रोवाइड करता हूं दोस्तों। एक है माई मास्टर 11, दूसरा कुबेरा और तीसरा विजय 11 दोस्तों। तीनों आप कमाल कैप है, तीनों में लो कॉम्पिटिशन होता है, आप तीनों में 100% मनी ईजिली से अर्न कर सकते हैं। तीनों आप कमाल कैप है। पहला वाला दोस्तों माई मास्टर 11 का लिंक, माई मास्टर 11 एक न्यू ऐप है दोस्तों, इसमें लो कॉम्पिटिशन होता है, आप 100% मनी ईजिली से अर्न कर सकते हैं। कमाल क्योंकि इसमें आपको 5 प्लेयर होंगे, 5 प्लेयर में आपको एक ही प्लेयर को सिलेक्ट करना। मैं आपको इसी तरह प्लेयर को सिलेक्ट करके दे दूंगा। अगर आप कुबेरा में डी का टीम में खेलेंगे तो 100% मनी इजीली इसे अर्न कर सकते हैं। कुबेरा का लिंक कही दोस्तों, क्लिक करते सो जाए तुरंत डाउनलोड कर ला, आप 100% कुबेरा में मनी इजीली से अर्न करेंगे। और तीसरा वाला दोस्तों विजय 11, विजय 11 के बारे में आप सब लोग जानते हो दोस्तों। विजय 11 आप 100% मनी इजीली सेंड कर सकते हैं। कमाल कैप है विजय 11, विजय 11 का लिंक है दोस्तों, क्लिक करते हैं सो जाए तुरंत डाउनलोड कर लेना दोस्तों। मैंने तीनों ऐप में मनी इजीली सेंड कर रहा हूँ, आपको भी तीनों ऐप में मनी इजीली सेंड करो। तुरंत लिंक से तीनों ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आप 100% तीनों ऐप में मनी इजीली सेंड करेंगे। अभी जो कबड्डी का लीग हो रहा है किनिया लीग, उसमें मैंने आपको हर मैच में कबड्डी में 6 ग्रैंड लीग प्रोवाइड करूँगा दोस्तों। आप 100% मनी इजीली सेंड करेंगे कबड्डी में, हर मैच में मैं आपको कबड्डी में 6 ग्रैंड लीग प्रोवाइड करूंगा। चलिए दोस्तों लेट नहीं करते हैं, वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। पहले विकेट कीपर में देखा जाए तो मैंने एक विकेट कीपर को पिक करूँ सो ई रॉय को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन सो ई रॉय, आप इनको 100% पिक कर लेना। ई रॉय का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करें तो रॉय को लास्ट में जब बैटिंग हुआ तो चांस नहीं मिला था, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन सो रॉय को आप 100% पिक कर लेना। मैंने विकेट कीपर में एक विकेट कीपर को पिक कर लिया। अब बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने के शर्मा को पिक करूँ, उसे हेज सिंह को और यश दुबे को दोस्तों, और एस पुरकाय आस्था को दोस्तों। पूरा मैंने 4 बैट्समैन को पिक किया, चारों बैट्समैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन है, अब चारों को 100% पिक कर लेना है। चारों बैट्समैन का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करें जाए तो के शर्मा के बारे में बात करते हैं, शर्मा ने लास्ट मैच में 7 गेंदों में 5 रन मारा था दोस्तों। हेज सिंह के बारे में बात करते हैं, हेज सिंह ने लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करी तो 35 बॉल्स पर 54 रन मारे दोस्तों। हेज सिंह ने लास्ट मैच कमाल का बैटिंग किया था। और एस पुरकाय आस्था के बारे में बात करते हैं, एस पुरकाय आस्था ने लास्ट मैच 45 बॉल्स पर 50 रन मारे थे। पुरकाय आस्था ने भी लास्ट मैच कमाल के बैटिंग किए थे। और एस दुबे के बारे में बात करें तो दुबे ने लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करें तो दुबे ने लास्ट मैच 5 गेंदों में 4 रन मारा था दोस्तों। और एक और बैट्समैन है दोस्तों जे अली, अब जे अली को भी पिक कर लेना। जे अली का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करें तो जे अली को भी लास्ट मैच बैटिंग में तो चांस नहीं मिला था। मैंने बैट्समैन में 5 बैट्समैन को पिक कर लिया, पांचों बैट्समैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन है, अब पांचों को 100% पिक कर लेना। मैंने पांचों बैट्समैन का स्टैट्स भी बता दिया, पांचों बैट्समैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन है। अब ऑलराउंडर में देखा जाए तो मैं रियान परांग को पिक करूँगा दोस्तों और डी अहमद को। पूरा मैंने 2 ऑलराउंडर को पिक किया, दोनों ऑलराउंडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर, सब दोनों को 100% पिक कर लेना। दोनों ऑलराउंडर्स का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करिए तो रियान परांग के बारे में बात करते हैं, रियान परांग ने लास्ट मैच 35 बॉल्स पर 76 रन मारे थे दोस्तों, 3 ओवर 3 गेंद डाल के 4 विकेट भी लिए थे। कमाल का बैटिंग केस और कमाल का बॉलिंग भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर सो रियान परांग, अब इनको 100% पिक कर लेना। और डी अहमद के बारे में बात करें तो डी अहमद ने लास्ट में 27 बॉल्स पर
30 रन्स मारा। सो डी अहमद को लास्ट मैच में बैटिंग तो कमाल का किया था, डी अहमद को लास्ट में बॉलिंग में तो चांस नहीं मिला था लेकिन बैटिंग कमाल का किया। मैंने ऑलराउंडर में दो ऑलराउंडर को पिक कर लिया, सो दोनों ऑलराउंडर का स्टैट्स भी बता दो। ये दोनों ऑलराउंडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर, सब दोनों को 100% पिक कर लेना। अब बॉलर्स, बॉलर्स में देखा जाए तो मैंने बॉलर्स में पिक करूँगा सो पी रे को दोस्तों, और आर दीपक को दोस्तों, पी शर्मा को। पूरे मैंने तीन बॉलर्स को पिक कर लिया, सो तीनों बॉलर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर्स, अब तीनों को 100% पिक कर लेना। तीनों बॉलर्स का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात की तो पी रे के बारे में बात की तो रे ने लास्ट मैच तीन ओवर डाले थे, तो तीनों ओवर डाल के शून्य विकेट, विकेट तो नहीं मिला, सुनने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर है। और पी शर्मा के बारे में बात करें तो शर्मा ने लास्ट मैच में दो ओवर डाला था, तो दो ओवर डाल के दो विकेट लिए शर्मा ने। शर्मा ने भी लास्ट मैच कमाल का बॉलिंग किए थे। और आज दीपक के बारे में बात करें तो दीपक ने लास्ट में तीन ओवर डाला था, तो तीन ओवर डाल के पाँच विकेट लिए। दीपक ने लास्ट मैच कमाल का बॉलिंग किए थे। मैंने बॉलर्स में तीन बॉलर्स को पिक कर लिया, तीनों बॉलर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर्स, अब तीनों को 100% पिक कर लेना। मैंने तीनों बॉलर्स का स्टैट्स भी बता दिया, ये तीनों बॉलर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर्स, अब तीनों को 100% पिक कर लेना। अगर विकेट कीपर में देखा जाए तो मैंने एक विकेट कीपर को पिक किया, बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने पांच बैट्समैन को पिक किया, ऑलराउंडर में देखा जाए तो मैं दो ऑलराउंडर को पिक किया, और बॉलर्स में देखा जाए तो मैं तीन बॉलर्स को पिक किया। पूरा मैंने 11 प्लेयर्स को पिक कर लिया, 11 प्लेयर्स का स्टैट्स भी बता दिया। 11 प्लेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, अपने 11 प्लेयर्स को 100% पिक कर लेना। अब कप्तान वाइस कप्तान के बारे में बात करी जाए तो मैंने कप्तान में बनाऊँ सर रियान परांग को, और वाइस कप्तान में हैच सिंह को। दोस्तों एक बार मेरे टीम को देख लीजिए, मैंने विकेट कीपर में एक विकेट कीपर को पिक किया सो ई रॉय को, और बैट्समैन ने देखा जाए तो मैंने चार बैट पांच बैट्समैन को पिक किया सो प्रकाश रक्त को, और हैच सिंह को दोस्तों, एस दुबे को, और के शर्मा को, और जे अली को। और ऑलराउंडर में देखा जाए तो मैं दो ऑलराउंडर को पिक किया सो रियान परांग को, डी अहमद को। और बॉलर्स में देखा जाए तो मैं तीन बॉलर्स को पिक किया, के शर्मा को दोस्तों, पी रे को, और आर दीपक को। मैंने कप्तान में बनाया दोस्तों रियान परांग को, और वाइस कप्तान में हैच सिंह को। दोस्तों मेरा कोई फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको लाइनअप अनाउंस होने के बाद मेरे टेलीग्राम में मिलेगा, इसीलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो आपको टीम दिखाई दे रहा है स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग हेड टू हेड 3 स्पॉट 4 स्पॉट और 5 स्पॉट्स में 100% विन होगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट शेयर और लाल वाला घंटी को जरूर दबाना। थैंक यू।